स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डिलीट प्रश्नों के बोनस देगा बोर्ड, कितने प्रश्न डिलीट कर रहे हैं और अगर परमिशन मिल जाती है रिजल्ट जारी करने को लेकर इलेक्शन कमीशन से तो कितने समय में जो है आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो जाएगा। तो इन तीन बातों पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न अभ्यर्थियों के लिए अभी भी यही है कि क्या जो बोर्ड है वो डिलीट होने वाले क्वेश्चन के लिए बोनस देगा, यानी कि अगर 10 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो क्या 30 नंबर सभी अभ्यर्थियों को बोनस दिए जाएंगे, या अगर 12 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो क्या 36 नंबर सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे। इसी को लेकर हम जो है आज के वीडियो में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर बोर्ड कितने प्रश्न डिलीट करने वाला है, क्योंकि अब जो है आप सभी का रिजल्ट कुछ ही समय में तैयार हो जाएगा, यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो है आपका रिजल्ट तैयार हो चुका होगा और जैसे ही इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिलेगी वैसे ही आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और जहाँ तक अनुमान है अगर परमिशन अगले 10 दिनों के अंदर मिल जाती है तो इस महीने के एंड से पहले ही जो है आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 25 अप्रैल के आसपास जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है अगर परमिशन 20 तारीख से पहले आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बोनस को लेकर तो बोर्ड ने जो है कभी भी किसी भी भर्ती में जो है अभी तक तो बोनस नहीं दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले साल एक बड़ा एग्ज़ाम हुआ था जिसमें काफ़ी ज़्यादा पदों पर भर्ती थी, वहाँ पर सीटें खाली भी रह गई, लगभग 40% सीटें जो है वो खाली रह चुकी थी, फिर भी जो है बोर्ड ने वहाँ पर बोनस नहीं दिया था। आप सभी जानते हैं पिछले साल जो है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है वो कम्प्लीट हुई थी, 2022 में उसका एग्ज़ाम हुआ था और जो ये भर्ती कंप्लीट हुई थी तो यहाँ पर काफ़ी पद थे वो रिक्त रह गए थे और सेम कंडीशन रही थी जैसा कि अभी जूनियर अकाउंटेंट में है, वही कंडीशन जो है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम में देखी गई थी। दो पेपर हुए थे, पेपर 1 पेपर 2, वहाँ पर भी 40% का जो था क्राइटेरिया था दोनों ही पेपर का अलग अलग, लेकिन वहाँ पर पेपर 1 में जो है अभ्यर्थी जैसा कि अभी भी देखा गया है कि पेपर 1 में काफ़ी अच्छे नंबर है अभ्यर्थियों के, लेकिन पेपर 2 में 40% जो है वो यहाँ पर नहीं ला पा रहे हैं। तो उस हिसाब से वहाँ पर भी सेम चीज़ देखी गई थी और वहाँ पर तो पद भी रिक्त रह गए थे, यहाँ पर पद रिक्त रहने के कोई अनुमान नहीं है कि यहाँ पर जो है पद रिक्त रह सकता है, यहाँ पर सभी पद भरे जाएंगे अगर यहाँ पर बोनस नहीं भी दिया रहता है। और वैसे बोर्ड जो है वो बोनस नहीं देता है तो इस बार भी बोनस मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बोनस मिलने से सभी को 30-30 मान लीजिए 10 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं तो सभी को 30 नंबर का फायदा होगा। वो अभ्यर्थी जो 400 नंबर लेकर आया है उसे भी 30 नंबर का फायदा होगा, जो 600 नंबर लेकर आया है उसे भी 30 नंबर का ही यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो ऐसा बोर्ड नहीं करता है, बोर्ड यहाँ पर जो है क्वेश्चन डिलीट करता है और डिलीट होने के बाद उस अभ्यर्थी को ज़्यादा फायदा होता है जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है। मान लीजिए दो अभ्यर्थी जिन्होंने 120 क्वेश्चन किए हैं, पहले अभ्यर्थी के 90 सही है 30 गलत है, दूसरे के 70 सही है और 50 गलत है, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उसे यहाँ पर क्वेश्चन डिलीट होने पर ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और यही बोर्ड करता है और बोर्ड जो है क्वेश्चन डिलीट होने पर जो डिलीट हुए क्वेश्चन है उसके मार्क्स जो है बाकी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी फाइनल मार्क्स आपके जारी किए जाते हैं। तो बोनस मिलने की यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है और जो भी आपको बता रहे हैं कि बोनस मिल सकता है आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसी अफवाहों से दूर रहना है ताकि आप आपके आगे की तैयारी जो है अच्छे से कर सकें। अगली बात है कितने प्रश्न डिलीट होने वाले हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर में मिलाकर लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि डिलीट होंगे। ऐसा अनुमान है कि पेपर 1 में जो है लगभग 2 क्वेश्चन है और पेपर 2 में लगभग 9 से 10 क्वेश्चन है कि जो डिलीट हो सकते हैं, तो टोटल मिलाकर आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिलीट होंगे। और अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, लगभग जो है 60,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया, 60 से 65,000, उस हिसाब से आपका रिजल्ट काफ़ी जल्द तैयार हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पर जो जाँच करनी थी बोर्ड ने वो कर ली है और उसके बाद जो क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं उनकी संख्या लगभग 10 से 12 बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो काफ़ी जल्दी तैयार हो जाएगा और जैसा कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिलते ही यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जैसे ही परमिशन मिलेगी उसके एक वीक के अंदर आपका जो यहाँ पे रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो आपका रिजल्ट इस महीने के एंड तक जारी होने की संभावना है, लगभग जो है 25 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट जारी हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन यहाँ पर परमिशन दे देता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है डिलीट प्रश्नों को लेकर, प्रश्नों पर क्या बोनस मिलेगा इसको लेकर और रिजल्ट आपका कब तक जारी होने वाला है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।